ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 7 केतु का अंक है। आपके कामकाज में कोई रुकावटें भी पैदा कर सकता है व्यक्ति विशेष। सोचे हुए काम खुद के दम पर ही पूरे कर सकते हैं, दूसरों के भरोसे पे आज काम न करें। सावधान भी रहें, गले के रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। स्टूडेंट्स को कोई कठिन टास्क काम मिल सकता है। हाँ, पढ़ाई में भी रुकावटें आने से चिड़चिड़ापन रहेगा, मन परेशान रहेगा। पानी से जुड़ी परेशानियां भी आज आपको हो सकती है। अच्छा खान पान करें, अच्छा पानी पिएं। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। मूलांक 9 मंगल का। मंगलमुखी सदा सुखी, मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ रोचक और नए अनुभव आज आपको मिलेंगे। पढ़ाई या कैरियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे। जो बाधाएं थी वो खत्म हो जाएंगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पितृ दोष है या नहीं, ये कैसे कोई व्यक्ति पता लगा सकता है, इस बारे में आप प्रकाश डालें थोड़ा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है व्यक्ति विशेष के सामने, उसकी जन्म तारीख, उसके जन्म के अंकों में पितृदोष है या नहीं। इसको जानने का साफ सुथरा छोटा सा तरीका है, जब भी आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते ही सवेरे मॉर्निंग में 12 बजे से पहले अगर आप किसी काम को करते हैं और उस काम में आपको 7 दिन में से 4 दिन असफलता ही हासिल होती है, तो जरूर आपकी कुंडली में पितृदोष है। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, आप कोई भी काम मॉर्निंग में 12 बजे से पहले करते हैं और 7 दिन में से 4 दिन उस काम में असफलता मिलती है, या 7 में से 4 दिन आपको हर काम में असफलता मिलती है, आपकी कैलकुलेशन के अंदर पितृदोष है। ये पितृदोष को जानने का साफ सुथरा छोटा सा तरीका है, अंकों के अनुसार इस तरह से आप पितृदोष का पता लगा सकते हैं। और अगर आपके मॉर्निंग में सारे काम अच्छे से खत्म होते हैं, आपकी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, आप निश्चिंत रूप से होके बैठ सकते हैं। कैलाश जी, पितृदोष से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है, लेकिन उस सवाल को पूछने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। अनु है नसीराबाद से, जो कि अपने पुत्र अभिषेक के लिए जानना चाहती हैं। अभिषेक की जन्म की तारीख है 21/7/1986। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्ण अनु जी। जी, मैं अपने बेटे अभिषेक के लिए विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसके विवाह में अचानक जैसे आती है, बस ऊपर हो कुछ भी नहीं सकता, सगाई आती है पर होती नहीं है। और आगे भविष्य का भी पूछना चाहती हूँ। उसके जैसे जॉब, गोल्ड लोन का इनका काम है बैंक में जी, तो उसी में सफलता मिलेगी क्या? और वो लव मैरिज करना चाहता है, तो वो क्या सक्सेस रही थी क्या? 21 जुलाई 1986, 2 और 1 3 का अंक है आपके पुत्र का। प्रेम विवाह के योग बहुत कम है, अरेंज मैरिज करने में इनको विशेष रूप से फायदा रहेगा। नौकरी की अगर हम बात करें, जो इनका व्यापार चल रहा है, कैलेंडर वर्ष 2017 विशेष रूप से इनके लिए लाभदायक रहेगा। 2017 कैलेंडर वर्ष में अगर ये व्यापार संबंधित कोई बड़ा उठापटक करते हैं, नया ऑफिस डालते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, वो भी इनको विशेष रूप से लाभदायक रहेंगे। राजस्थान से बाहर इनको शादी करना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। जितना रिश्ता दूर करेंगे, उतनी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। कैलाश जी, ये तो अभी आपने बता दिया था कि पितृदोष है या नहीं, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी को पता चलता है कि पितृदोष है उसे, तो उसका निवारण किस तरह कर सकते हैं कैलाश जी? मित्रों, अगर आपको मालूम चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से मालूम चलता है, या जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अनुसार अगर आपको मालूम चलता है आपकी जन्म के अंकों में पितृदोष है, पितृदोष का सबसे अच्छा निवारण है, श्राद्ध पक्ष में भी कर सकते हैं, या किसी भी महीने की अमावस्या को आप ये उपचार कर सकते हैं।
घर में जो आपके पानी का स्थान है, जहाँ पानी का कलश, मटका या फ्रिज, जहाँ पानी रखते हैं, वहाँ शाम के समय घी का दीपक जलाइए। ये पितृ दोष को दूर करता है। आपके जो भी पूर्वज नहीं रहे, उनका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, कलर फोटो पितरों का लगाना किसी काम का नहीं माना जाता। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, श्वेत श्याम चित्र, घर का जो आंगन है या घर की जो बैठक है जहाँ पे मेहमान विराजते हैं, वहाँ पे पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी, पश्चिम और उत्तर मुखी दो मुखी आप फोटो अगर घर के आंगन और बैठक में लगाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृ दोष खत्म होता है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में भी और अमावस्या वाले दिन सफ़ेद रंग का दान कर दीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्यता है, चाहे मिठाई हो, चाहे घर पे आप खीर बना के भी किसी ब्राह्मण को, किसी जानवर को, किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में भी अगर आप चढ़ाते हैं, वो दान की श्रेणी में माना जाता है। सफ़ेद रंग का दान करना पितृ दोष को कम करता है। एक चीज़ विशेष रूप से दर्शकों ध्यान रखिएगा, आप पितृ दोष संबंधित सारे उपचार कर रहे हैं लेकिन आपकी बहन बेटी को आप संतुष्ट नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रख रहे, अपने घर की बहू बेटी को अगर आप तकलीफ दे रहे हो तो पितृ दोष यथावत बना रहेगा। सारे धार्मिक उपचार आपके नगण्य होते जाएंगे। घर के अंदर बहन बेटी का सुखी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा पितृ दोष कभी खत्म नहीं होता। कैलाश जी, बिगले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने भाई राजेश के लिए जानना चाहती हैं। राजेश जी की जन्म की तारीख है 26/10/1989। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार अनीता जी। मैंने अपने भाई की शादी के लिए जानना चाहती हूँ, हम लोग बहुत परेशान है और उन्होंने सुनेला और मोती पहन रखा है, बताइए ना क्या सही है या नहीं। अनीता जी, आपके भाई राजेश के जन्म की तारीख है 26/2/6/8 का अंक शनि का माना जाता है। शनि की परम मित्रता रहती है शुक्र से और परम शत्रुता रहती है गुरु से। जो सुनेला पहन रखा है वो गुरु प्रधान नग है, वो विशेष रूप से नुकसान ही पहुंचाएगा। शादी में वैसे ही रुकावट आ रही है, ये नग पहनने से और रुकावटें उत्पन्न होगी। सुनेला आप खोल दीजिए। शुक्र का विवाह का जो अंक माना जाता है 6, शुक्र माना जाता है, और शुक्र का जो नग होता है वो डायमंड माना जाता है, जरकन माना जाता है और ओपेल माना जाता है। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चाहे डायमंड भी पहन सकते हैं, जरकन भी पहन सकते हैं या ओपेल भी पहन सकते हैं। जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2017 में 19 फरवरी के बाद आपके भाई के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। जी मित्रों, न्यूमरो टिप्स, यदि आप कोई स्टोन पहनना चाहते हो और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान न हो, आपको ये मालूम ही नहीं हो कि मेरी जन्म तारीख क्या है, जन्म के अंक क्या है, जब कुंडली ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं है, तो कौन सा स्टोन पहने, तो आप हमारी इस न्यूमरो टिप से जान सकते हैं कौन सा पहने। पुखराज, पीले रंग का पुखराज चांदी में या सोने में पहनना, और वो भी गुरुवार के दिन, बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको अपने अंकों का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आप पुखराज जो रत्न रहता है वो आप पहन सकते हैं। वो विशेष रूप से आपको हर काम के अंदर सफलता प्रदान करेगा, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, विवाह के अंदर और व्यापार के अंदर, इन चीज़ों में आपको विशेष रूप से पुखराज सफलता प्रदान करेगा। अपने हाथ की पहली अंगुली में इसको धारण किया जाता है। आपकी जैसी सामर्थ्यता हो उतनी रत्ती का, उतनी कोष्ठ का आप खरीद सकते हैं। सोने और चांदी जैसा आपको उचित लगे धारण कीजिए, आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, साथ ही पितृ पक्ष से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का आभार। बाबा रामदेव के आज मेले की तिथि की सभी को शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।